हेलो फ्रेंड्स, इटर्नल स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी के 1000+ ऑनलाइन सीरीज का क्वेश्चन शुरू किए हैं। जिन लोगों ने पिछले सारे वीडियो को नहीं देखा है, उसे जाकर आप जरूर देख ले। उस सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी सारे वीडियो को देख सकते हैं। और डेली सुबह में इंस्टाग्राम पर क्विजेज होते हैं, तो उसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसे आपको बहुत बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं और सारी वीडियो का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, वहाँ पे सारी वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली सुबह में 5 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, तो उसे आप देखना ना भूलें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि कोई भी वीडियो हम आपके लिए लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कल हम लोग ने 175 क्वेश्चन देख लिए हैं, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। आज का पहला और 176वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकना इससे संबंधित है। बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थ के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को छीन करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंध है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक का, यूरिया का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार औद्योगिक बहिश्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। तो इसको जो नियंत्रित कर सकता था वो है पार्थेनियम। पार्थेनियम ही बहिश्राव को, खरपतवार को नियंत्रित कर सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो ये क्लोरीनीकरण के द्वारा इसे हम लोग नहीं हटा सकते हैं। जो जल में लोहे या मैग्नीज रहते हैं उनके प्रदूषण को हम क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा 130 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल। उससे ज़्यादा का अगर आपके कान में किसी प्रकार का साउंड सुनाई पड़ता है वो हमारे कान को क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है। तो हठीले को हम लोग इंग्लिश में परसिस्टेंट बोलते हैं और इसका प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेर्नोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो ये रेडियोधर्मी अपविष्ट का परिणाम है, चेर्नोबिल महापीड़ा। अगला क्वेश्चन, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो मानक जंतु विज्ञान नामांकन में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो है लैटिन। लैटिन भाषा का ही हम लोग मानव जंतु विज्ञान नामांकन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किसके प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। कुछ हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटोजोआ का जो हिंदी में होते हैं उसका अर्थ होता है प्रजीवगण। प्रजीवगण को ही हम लोग इंग्लिश में प्रोटोजोआ और हिंदी में प्रजीवगण बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ जंतु या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हें रोगारोग प्रोटोजोआ हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी प्रोटोजोआ के बारे में।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 186 नंबर है। कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो उस जीव का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा में जीव रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस ले पाते हैं। बात करें तो हाइड्रा एक निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है और इसके अध्ययन के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इनमें प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन से होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 187 नंबर। कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा एनेलिडा। एनेलिडा ही एक ऐसा जीव है जो बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? तो फेरोमोन्स को जो हम सामान्यतः उत्पन्न करते हैं वो कीटों द्वारा ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो वो वातक तंत्र से सांस लेते हैं। अधिकांश कीट, ज़्यादा से ज़्यादा कीट वातक तंत्र से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है। वहीं बात करें तो ऑर्थोपोडा को हम लोग हिंदी में संधिपाद बोलते हैं। तो ऑर्थोपोडा प्रणाली जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर संधिपाद की लगभग 2/3 जातियाँ हैं। इनमें कीट भी सम्मिलित हैं। इनका शरीर सिर वृक्ष उदर में बटा रहता है। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं ऑर्थोपोडा में। जल और स्थल ये दोनों पर आपको मिल जाएंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि इस संघ के प्रमुख आपको जंतु हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो मकड़िया जो होती है वो एरेक्निड्स के वर्ग में आती हैं। इसका वर्गीकरण एरेक्निड्स में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़िया में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो बात करें तो मकड़िया में 4 जोड़ी आँखें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े माफ कीजिएगा यहाँ पे केकड़े होगा, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो हमने आपको बताया कि ये केकड़े ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जो नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो पौधे के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन 195 नंबर है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? तो वे हैं शहतूत की पत्तियाँ, उन्हीं पर रेशम कीट आपको ज़्यादा ज़्यादा पनपता है। वहीं बात करें शहतूत की, तो एक प्रकार का यह फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है। 10 मीटर इसका ऊंचा वृक्ष होता है और यह तेजी से बढ़ता है। इसका जीवन काल कम होता है। यह चीन का देशज है किंतु अन्य स्थानों पर इसे आसानी से हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। इसे संस्कृत में तूत, मराठी में तूती और तुर्की भाषा में दूत हम इसे कहते हैं। वहीं बात करें तो रेशम के कीड़े को खिलाने के लिए सफ़ेद शहतूत की खेती की जाती है। यह भारत के अंदर खासकर उत्तर भारत में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में इसकी अत्यधिक खेती की जाती है। तो ये कुछ बातें थी शहतूत के बारे में। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन जिसे हम लोग करते हैं रेशम कीट के प्यूपा से हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं। इसे तरह तरह के कपड़े हम लोग रेशम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं? तो रेशम के कीड़े को जो जहाँ हम लोग पालते हैं उसे हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। कुछ और हम लोग जान लेते हैं, मछली पालन को, जैसे हम लोग मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। एक होता है फ्लोरीकल्चर, इसका संबंध
फूलों की खेती से है। इसमें फूलों और फूलदार पेड़ों की खेती करते हैं। उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलती है और इसी फेनोमेना को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है ट्रेकिया और हिंदी में वातक। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रहता है क्योंकि जल में वो सांस नहीं ले पाएगा और उसका सांस लेने का जो अंग है वह ट्रेकिया से है, बाहर ही वो सांस ले सकता है, घर के अंदर वो सांस नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो यह मोलस्का परिवार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा घोंघा। घोंघा ही एक ऐसा जीव है जो मोलस्का परिवार से संबंधित है। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे पिछले सारे वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पिछले सारे वीडियो को ज़रूर देख लें। सारे वीडियो का आपको PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और आपको सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप रिलेटेड जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।